मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। उस काम में लगा हूँ। भैया तुम मरो, बिना दवा के मरो, बिना हॉस्पिटल के मरो, तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ नहीं। पहले वो जो छोटे छोटे हॉस्पिटल गांव-गांव चलते थे, सरकार अब उन्हें बंद करने जा रही है। अगले साल सरकार की योजना है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस देश में या तो बंद हो जाएगा या किसी बड़े बिजनेस ग्रुप को दे दिया जाए। जो गरीब लोगों के लिए होता था कि भैया 10 रुपए में ब्लड टेस्ट भी हो गया, यूरिन टेस्ट भी हो गया, अब वो 10 रुपए का काम खत्म। आप अगर चेस्ट एक्सरे कराएं तो 20-25 रुपए में हो जाता था, अब वो काम खत्म। तो सस्ती कोई सेवा इस देश में नहीं रहेगी, ना हेल्थ में रहेगी, ना एजुकेशन में रहेगी, ना ट्रांसपोर्टेशन में रहेगी, ना कहीं और रहेगी। तो फिर ये 70 करोड़ लोग क्या करें? तो एक विकल्प तो ये है कि अगर आप बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं और इकोनॉमी को अमेरिका यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप इन 70 करोड़ लोगों को जहर देके मारना। उतनी ताकत मनमोहन सिंह में भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, सेवाग्राम आश्रम बरना, विदर्भ के किसानों का दुख देखने के लिए। वो भी इसलिए कि कुर्सी हिलना शुरू हो गई। जब तक कुर्सी ना हिले तब तक किसी का दुख समझ में नहीं आता। तो जब कुर्सी हिलने लगी तो वो आना पड़ा। तो सेवाग्राम आश्रम में उनसे कहा गया कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये अमेरिकनाइजेशन है एग्जैक्टली, और ये हो रहा है भारत के 20-25% लोगों के। तो 75% लोगों को अगर आप में दम है तो जहर देके मार डालो, या तो इनको मुफ्त के कंबल बंटवा दो, उसमें वायरस छोड़ दो। कोई एड्स से मरेगा, कोई किसी से। एक बार ये मर जाए तो थोड़ा शांति आ जाएगी, फिर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी, ग्लोबलाइजेशन। और जो अगर आप मानते हैं कि ये 75 करोड़ भी जिंदा रहने चाहिए, तो फिर आप सोचो कि इस ग्लोबलाइजेशन में कौन सा स्पेस है इनके लिए जो ये जिंदा रह सके। आपने जितने कदम उठाए हैं सभी से रोजगार में कमी आई है। और अब मनमोहन सिंह के जो सबसे नजदीकी व्यक्ति है मॉन्टेक से नेहरू वालिया, उन्होंने मान लिया है कि भारत में ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉबलेस। हम इकोनॉमी में उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां जॉबलेस ग्रोथ है। 9%-10% ग्रोथ रेट हो सकता है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। पहले जितने जॉब्स थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन में आपने क्या किया है, इकोनॉमी को चेंज करने के लिए बाहर से आने वाले हर आइटम पर आपने कस्टम ड्यूटी कट कर दिया। आज का ये अखबार पढ़ो, सीमेंट पे कट कर दिया, पोर्टलैंड सीमेंट पे तो जीरो कर दिया कस्टम ड्यूटी। तो हर चीज बाहर से सस्ती आई, तो भारत वाले क्यों बनाए फिर चीजों? ये टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी कल को ये फैसला कर ले कि जब सब कुछ विदेश से आ रहा है और कॉस्ट उसकी कम पड़ रही है क्योंकि टैक्स उस पर कम है, तो हम प्रोडक्शन क्यों करें? बंद कर दो सारे प्रोडक्शन यूनिट, सब कुछ इंपोर्ट करने लगो तो फिर क्या होगा? अगर हम सब कुछ इंपोर्ट करने लगे और सरकार जैसा चाहती है, मनमोहन सिंह बार बार कहते हैं कि मैं भारत का डेवलपमेंट करना चाहता हूं इंपोर्ट ओरिएंटेड, आयात पर आधारित विकास करना चाहता हूं, तो ठीक है। एक दिन हम कल्पना करें कि सब कुछ उनका सफल हो जाए और हर चीज इस देश में आयात होने लगे तो प्रोडक्शन बेस का क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बेस को आप संकुचित करते जाएं और इंपोर्ट आप बढ़ाते चले जाएं, तो एक दिन में आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां 1948 में थे, 1947 में थे, जब सब कुछ इंग्लैंड से ही आता था, इस देश में कुछ नहीं बनता। तो फिर बैक टू द स्क्वायर वन आ जाएंगे 60 साल, और सब कुछ बाहर से ही आएगा तो यहां रोजगार खत्म, और रोजगार खत्म तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी खत्म, तो वो खरीदेंगे क्या? मान लो सब आ भी गया और लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, तो कहां से खरीदेंगे, क्या बिकेगा? तो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगी ये इकोनॉमी, और शायद इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए तो मनमोहन सिंह चिदंबरम जैसे लोग भाग जाएंगे अमेरिका, क्योंकि सबके पास अपना देश है।
मनमोहन सिंह तो 15 साल अमेरिका में रहे भी, उनकी तीनों बेटियां अमेरिका में रहती हैं, कहीं सेटल हो जाएंगे। चिदंबरम का बेटा अमेरिका में रहता है, वो वहां सेटल हो जाएगा। इस देश के हर बड़े पॉलिटिशियन का बेटा बेटी या तो यूरोप और अमेरिका में चले जाएंगे, और जिसके नहीं है उनके पास स्विस बैंक अकाउंट है, वो स्विट्जरलैंड में सेटल हो जाएंगे। परेशानी तो आपकी है और मेरी है, ना आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूँ, ना आपके पास स्विस बैंक अकाउंट है ना मेरे पास है, और करोड़ों किसानों की है जो ये देश छोड़ नहीं सकते। हमें सोचना चाहिए इस हिसाब से कि हम 110 करोड़ की आबादी के देश हैं, और 110 करोड़ की आबादी का देश ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता। ये मैं आपसे बहुत गहरी बात कहूंगा, 110 करोड़ की आबादी का देश ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग बेस होना ही पड़ेगा। खाली व्यापार से हम जिंदा नहीं रह सकते। हांगकांग जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में, सिंगापुर जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में, ताइवान जिंदा रह सकता है खाली व्यापार में, क्योंकि वो सिटी कंट्रीज है। जो छोटे देश होते हैं ना, यूरोप में और अमेरिका के आसपास 56 से ज्यादा देश हैं जो 1 करोड़ से कम आबादी के, यहाँ 1-1 करोड़ आबादी का 1-1 शहर है हमारा, बंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, उनके यहाँ 1-1 करोड़ से छोटे देश है। फिनलैंड तो मुश्किल से 35 लाख लोगों का देश है, फिनलैंड जहां की ये कंपनी है नोकिया, 35 लाख का देश है। उसका पड़ोसी 70 लाख वाला है, कोई 65 लाख वाला है, कोई 55 लाख वाला है। यूरोप में 2-3 देशों को छोड़कर, ब्रिटेन छोड़ दो, फ्रांस छोड़ दो, और थोड़ा बहुत जर्मनी, बाकी तो 1-1.5 करोड़ से नीचे वाले देश है सब। तो जो देश बहुत कम जनसंख्या वाले हैं वो ट्रेड बेस हो सकते हैं, वो व्यापार आधारित हो सकते हैं, और उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन 110 करोड़ की आबादी का, 140 करोड़ की आबादी का चीन, 110 करोड़ की आबादी का भारत, ये तो ट्रेडिंग बेस नहीं है और हो भी नहीं सकते, और अगर हमने कोशिश की तो डूब जाएंगे। भारत में शॉपिंग मॉल्स का आना भारत को ट्रेड बेस कंट्री बनाने की साजिश का हिस्सा है। और ये जो शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं ना, केयरफोर का आएगा, या आप बोलेंगे जी ये हिंदुस्तान में से खरीदेंगे, उनके पास ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो हिंदुस्तान से खरीदें, सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी है, जो दुनिया में जहां से उन्हें सस्ते से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। आपको मालूम है ये शॉपिंग मॉल्स जो अमेरिका के हैं वो अमेरिका की चीजें नहीं खरीद रहे हैं अपने यहाँ। अगर आप वॉलमार्ट की सभी दुकानों में चले जाइए अमेरिका में, तो 35-40% सामान तो चीन का भरा पड़ा है उनके, और उनसे बोलो कि भैया तुम तो अमेरिका में पैदा हुए हो, कुछ तो देशभक्ति दिखाओ, कहते हैं जी यहाँ देशभक्ति नहीं चलती है, यहाँ डॉलर चलता है। चीन से माल सस्ता मिल रहा है तो चीन से खरीद रहे हैं, कल को उनको अफ्रीका से सस्ता मिलेगा, अफ्रीका से खरीदेंगे, कहीं टिम्बकटू देश में सस्ता मिले वहां से खरीदेंगे। उनके पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो भारत से ही माल खरीदें, और अब उनको ये भी कंपल्शन नहीं है कि शॉपिंग मॉल्स में नौकरी भारत के लोगों को दें, कोई कंपल्शन नहीं। अगर उनको ये भारत की कमजोरी पता चल गई कि भारतवासियों को गोरे रंग के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम है, तो वो चुन चुन कर शॉल सेल्स गर्ल्स लाएंगे, जिनकी चमड़ी बहुत बकाबक सफेद होगी उनको बिठाएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो कुछ भी खरीदने को ना जाए तो तफरी करने तो चले ही जाएंगे, चलो यार शॉपिंग मॉल से, भले कुछ नहीं खरीदे तो कुछ आंख सिकाई तो हो ही जाएगी, देखदार तो लेंगे। इस मानसिकता का अगर उनको अंदाजा लग गया तो वो जरूरी नहीं है कि भारत के लोगों को रोजगार है, वो जरूरी नहीं है कि भारत की चीजों को खरीद कर अपने शॉपिंग मॉल्स में बेचें, वो कहीं की भी चीजें लाएंगे, कहीं से भी बेचेंगे। हो सकता है कि वो ईरान से आलू ला के बेचेगा, हो सकता है अमेरिका से कपास ला के बेचें इस देश में, हो सकता है शहद वो लैटिन अमेरिका के किसी देश से लाए, हो सकता है चीनी ब्राजील की हो सकता है चीनी पाकिस्तान की हो। तो वो जरूरी नहीं है कि आपके देश से चीजें खरीद के अपने शॉपिंग मॉल्स में रखें, वो तो ये कहेंगे जहां से भी सस्ते सस्ता मिले और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो वहीं से खरीदेंगे। तो आपके यहाँ जो थोड़ा बहुत बेचने का भी तंत्र है वो खलास हो जाएगा। इन शॉपिंग मॉल से क्या क्या खत्म होगा, एक तो छोटी दुकानें 2 करोड़ हो जाएंगी। आपको मालूम है भारत के हर राज्य में कृषि उपज मंडी समिति होती, ये सबसे पहले मरेगी, क्योंकि ये जो कृषि उपज मंडी समिति वाले हैं ये किसानों से अनाज खरीदते हैं और बाजार में बेचते हैं, ये शॉपिंग मॉल्स वाले सीधे विदेशों से अनाज लाकर बेचने लगे। और ये कैसे चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां यहां से गेहूं खरीद के ले जाएंगी, वो फिर शॉपिंग मॉल्स में बिकने के लिए आएगा, यहाँ के किसान से डायरेक्ट वो गेहूं नहीं लेंगे।
क्योंकि जिससे लेंगे उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, तो क्यों बढ़ाएं भारत के लोगों की बार्गेनिंग कैपेसिटी। और भारत की सरकार मजबूर होकर सारा गेहूं ऑस्ट्रेलियन कंपनियों को बेचेगी क्योंकि उनका टाई अप उसी के साथ है, तो वो तो आपकी इकोनॉमी को खत्म कर देंगे दो चार साल। और इकोनॉमी खत्म हो गई तो वो यहां से दुकान उठा के किसी और देश में ले जाएंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो घुमंतू जाति के लोग हैं, जहां उनको मुनाफा मिले वहीं ले जाएंगे। और आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे उस स्थिति में कि अब तो सब डूब ही गया, अब क्या करें, ऐसी स्थिति हमारी आंखों के सामने। तो मुझे लगता है कि ये जो शॉपिंग मॉल्स का भारत में आना कोई दृष्टि से मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ ये जरूर है, जैसे आप कभी कल्पना कर सकते कि भाई हमको चॉइस ज्यादा मिलेगी, ब्रांड्स बहुत अवेलेबल होंगे, लेकिन करेंगे क्या आप थोड़े दिन के बाद ब्रांड्स का, जब आपकी परचेसिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाए, क्या खरीदेंगे आप? तो फिर आप एक विकल्प है आपके पास कि जब हमारी परचेसिंग कैपेसिटी बहुत नीचे आ जाए तो अमेरिकन स्टाइल से जीना शुरू कर दो, हर चीज कर्जे पर, टेलीविजन कर्जे पर, रेफ्रिजरेटर कर्जे पर, वॉशिंग मशीन कर्जे पर, फ्लैट कर्जे पर, हर चीज कर्जे पर, और मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अमेरिकन तो यही कर रहा है ना पिछले 100 साल से, वहां तो आदमी पैदा होता है तो कर्जे में और मरता है तो कर्जा चुका चुका है। और चूंकि कर्जे में डूबे हुए लोग हैं इसलिए कभी कुछ नया नहीं कर सकते और सरकार का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी उनकी दबी हुई है, इसलिए वहां विद्रोह नहीं होता। तो आप भी अपने लोगों को ऐसा बना दीजिए, और आदत शायद उसकी लगाने की चांस माने हो रही है। मुझे कई बार ऐसा लगता है आजकल इस देश में माइक्रो फाइनेंस की बहुत बाढ़ आई हुई है, आपने देखा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है, इनके पीछे वर्ल्ड बैंक का पैसा है। तो एक बार मैंने वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर को पूछा कि भैया तुमको क्या इंटरेस्ट है हमारे गांव की सीधी साधी महिलाओं को इसमें फंसाने का, तो उनका आदत तो ऐसे ही पड़ेगी कर्ज लेने की, महिलाएं आपस में पैसे इकट्ठे करती फिर कर्ज लेती, फिर कर्ज को भरने के लिए 3 साल ज्यादा काम करती, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है उनके ऊपर काम का कि पहले घर में खाना बनाओ, बच्चों को पालो, अब कर्ज की किस्त चुकानी है उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप महिलाओं की मदद कर रहे हैं कि उनका सर्वनाश करने पर लगे? तो उन्होंने कहा हम तो उनको कर्ज लेने की आदत डाल रहे हैं, छोटे छोटे कर्ज लेना शुरू कर दिया तो पड़े ले लिए, तो चुकाएंगे कैसे? उन्होंने कहा वो हमारी सिर दर्द नहीं है, वो भारत सरकार का सिर दर्द। तो आप में आदत डाल दें छोटे छोटे कर्जे की, जिस देश में कर्ज लेना पाप माना जाता हो उस देश के लोगों को आप आदत लगा दीजिए कि हर काम कर्जे से करो तो डूब गया। जिस देश में सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने यह समझाया हो चाणक्य ने कि आपके पांव जितने लंबे हैं चादर उतनी ही रखिए, उस देश को आप ये सिखा दो there is no limit, sky is the limit, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो। और मेरे तो समझ में नहीं आता घर की घंटी बजा बजा के देने आ रहे हैं, हम ICICI से आए हैं कर्ज लेना है आपको, क्यों मेहरबानी कर रहे हैं मेरे ऊपर ये? हम HDFC से आए हैं कर्ज लेना है आपको, पूछो क्यों मेहरबानी कर रहे हो ये भैया? हम पहले साहूकार के पास जाते थे 10 बार वापस कर देता था नहीं देंगे कर्ज, अब यहां साहूकार घर के सामने खड़ा है, कुछ तो इसके पीछे चल रहा है कैलकुलेशन, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, ये बहुत कैलकुलेटेड खेल चल रहा है कि आपके देश में कुछ विदेशी बैंकों को, इंश्योरेंस कंपनियों को और ऐसी चीजों को भेज भेज के घर के सामने लोन उपलब्ध है, कार की चाबी पकड़ो और लोन की किस्त देते रहो। और अंत में कैलकुलेशन करो तो मार्केट रेट से 3 गुना 4 गुना महंगा पड़ता है किस्त पे कोई भी चीज खरीदो, स्कूटर हो या मोटरसाइकिल, कार हो या घर, और जिंदगी उसमें नरक होती रहती है, टेंशन अलग पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस अलग पड़ता है, स्ट्रेस बढ़े तो डायबिटीज होती है, डायबिटीज हो तो फिर डॉक्टर का चक्कर, और डायबिटीज के बाद नपुंसकता भी आ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और फिर जयराम जी की भी हो सकती है। ये है सारा दुष्चक्र, इस दुष्चक्र में हम जाएं खुशी से, बहुत अच्छा है, सोच समझ के जाएं, कैलकुलेशन से जाएं, तब तो शायद इस देश में से कुछ रास्ता निकल आए, बिना सोचे समझे अंधे कुएं में छलांग लगाएं, ये बहुत मूर्खता है। हमारे देश की सरकार को जब भी इस तरह की बातें मैं करता हूं, आपने सोच लिया है शॉपिंग मॉल्स के आने के 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, वो कहते हैं जी सोचना क्या है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। तो इसका उल्टा सोचो कि जो ला रहे हैं शॉपिंग मॉल्स वो 50 साल की सोच कर आ रहे हैं,
उनके पास पूरी प्लानिंग है अगले 50 साल की कि हम अगले 50 साल में क्या करेंगे भारत में और क्या करेंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे इंडोनेशिया मलेशिया। तो वो 50 साल की प्लानिंग लेके आए, हमारे पास अगले एक साल की भी प्लानिंग नहीं है और अंधे कुएं में कूदने को तैयार है सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर जिसका अपना इंटेलेक्चुअलिटी भी दांव पे लगा है, मनमोहन सिंह। जब ये व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था तो गांधी जी की बात करता था, स्वदेशी स्वावलंबन। जितनी किताबें लिखी हैं मनमोहन सिंह ने, आप कोई भी पढ़ लीजिए, स्वदेशी स्वावलंबन। और जब से ये आदमी फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ, ये अमेरिका के ही गुणगान गाता रहता हमेशा, और हर अमेरिकन कंपनी का भारत आना लेजिटिमेट सिद्ध करता रहता। तो करेक्टर में कहीं तो प्रॉब्लम है। प्रोफेसर के रूप में जब ये आदमी पढ़ाता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो स्वदेशी स्वावलंबन का सिद्धांत पढ़ाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल वो कहता है, मेरी आदर्श किताब है। और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब ये काम करता है और एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो बिग इज ब्यूटीफुल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉरपोरेशन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो अभी पार्लियामेंट में भी लोगों ने चर्चा करना शुरू किया है कि हो ना हो ये आदमी कुछ फिशी है। और फिशी लोग कोई ऐसे नहीं होते जिनके सींग निकले होते हैं, वो हमारे आपके जैसे ही होते हैं। डबल क्रॉस करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद ये आदमी हिंदुस्तान को बाय बाय कहे कि मैंने जैसा करना था वैसा कर दिया, अब आपको नमस्ते, क्योंकि उसको करना था IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर वो कर रहा है बिना सोचे समझे। इस देश में अब वो कह रहा है कि रूपी को फुल कन्वर्टेबल कर देंगे। और मैंने ये जो दो चार नाम लिए ना, जिम्बाब्वे का नाम लिया, इंडोनेशिया, ये सब कन्वर्टेबिलिटी में ही मिलते। 1,00,000 करेंसी $1 के बराबर हो गई जिम्बाब्वे में। 3 साल पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में फुल कन्वर्टेबिलिटी लाया था। इंडोनेशिया में हमारी आंखों के सामने 6-7 साल पहले फुल कन्वर्टेबिलिटी लाया तो 19,000 इंडोनेशियन रुपया $1 में आ गया। भारत में भी यही चर्चा चल रही है कि फुल कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे। इस तरीके से इकोनॉमी को चलाने की बात हो रही, बिना ब्रेक की गाड़ी सरपट दौड़ रही और बिना सोचे समझे इतना अंधाधुंध कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है कि एक एक राज्य का दम निकल रहा है ब्याज भर में। आपको मालूम है महाराष्ट्र राज्य पर 1,00,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार की जो टोटल इनकम है उसका 50% कर्ज के ब्याज में ही जा रहा है और बचा हुआ 50% पगार देने में खर्च हो रहा है। अब ये महाराष्ट्र में विकास हो तो कैसे हो? तो जो भी कुछ छोटा मोटा करो, नया कर्ज लाओ, यही हालत देश की, जो महाराष्ट्र की। तो अब हम इसमें से तय करें कि हमको करना क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये तय कर लें अपने देश के स्तर पर, आपके स्तर पर नहीं, मेरे स्तर पर नहीं, पूरा देश मिलकर ये तय कर ले कि जी हमको तो अमेरिका जैसा होना है, पूरा देश ये तय कर, तो मैं भी पूरी ताकत से इस देश को अमेरिका बनाने में लग जाऊंगा। गांव गांव जाकर मैं व्याख्यान दूंगा कि भैया अमेरिका जैसे हो जाओ, भारतीयता छोड़, इस अमेरिका की तरह से ही जीना पड़ो। अगर पूरा देश ये तय करता है कि हमको अमेरिका जैसा होना है तो ठीक है, हम अमेरिकन हो जाए। तो सब कुछ सेंट्रलाइज करना पड़ेगा आपको, सब कुछ सेंट्रलाइज करना, छोटी से लेके बड़ी तक हर चीज डिसेंट्रलाइज, यहां कुछ नहीं चलेगा। शॉपिंग मॉल्स भी बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोलने पड़ेंगे, फिर हिंदुस्तान को उसी तरह से रीशेप करना पड़ेगा जैसे अमेरिका में है। इकोनॉमी को तो करना ही पड़ेगा कम से कम, और इकोनॉमी सोसाइटी से कोई अलग नहीं होती है, तो सोसाइटी को रीशेप करना पड़ेगा। जिस मेंटल स्ट्रेस में एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन रहता है, उस मेंटल स्ट्रेस में हिंदुस्तानी को सिखाना पड़ेगा कि इतने स्ट्रेस में तुम भी रहो। वहां न्यूक्लियर फैमिली है, सिंगल फैमिली, तो जैसे वो रहते, तुम रहो, माता पिता को छोड़ो, मौसा मौसी को छोड़ो, फूफा फूफी को छोड़ो, अकेले रहो, और अकेले रहो तो उसका टेंशन झेलो, छोटे बच्चे हैं तो क्रेश में देके आओ, कौन खिलाएगा आपके बच्चों को घर, प्रेस करानी है तो जाओ 50 मील कार दौड़ा के, दूध लाना है तो हफ्ते भर का एक साथ लेके आओ, ताजा दूध क्यों पीते हो? और अमेरिकन जीवन शैली में आओ तो खाना रोज क्यों बनाओ, हफ्ते भर का बनाओ, फ्रीजर में भर के रखो, रोज गर्म करके कर खाओ। तो या तो हम पूरे उनके जैसे हो जाएं। मेरा ये मानना है कि आधे अधूरे में काम गड़बड़ होता है, आधे हम हिंदुस्तानी है आधे अमेरिकन है तो खिचड़ी हो जाती है।
इसमें से रास्ते नहीं निकलते, या तो पूरे अमेरिकन हो जाए, यूरोपियन हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, या तो शुद्ध हिंदुस्तानी और भारतीय रहे, ये बीच की खिचड़ी नहीं चलेगी कि 10-15% हिंदुस्तान को अमेरिकन स्टाइल में जिए और 70-80% हिंदुस्तान गरीबी में रहे, तो फिर आपको वर्ग संघर्ष झेलना ही पड़ेगा और आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ता ही जाएगा। आप ये कल्पना करके हमेशा सूरत किसानों को समझ में आ गया तो पूरे नागपुर को लूट ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई पुलिस काम आएगी, ना आर्मी आपको कुछ कर पाएगी। पिछले 15 साल में ग्लोबलाइजेशन में जो सबसे खतरनाक चीज हुई है कि अमीर इतने अमीर हो गए हैं और गरीब इतने गरीब हो गए हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10,000 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमी के बीच में 10,000 गुने का अंतर आया पिछले 15 साल। हम इस देश में ऐसे भी लोगों को देख रहे हैं जो एक दिन में 70,000-80,000 एक दिन में नहीं कमा पाते और उसी में अपनी जिंदगी चलाने के लिए अभिशप्त है। तो समाज में दो वर्ग अगर आपने बना दिए, एक हैव नॉट्स का और एक हैव्स का, तो संघर्ष होना अवश्यंभावी है। उसमें कोई लॉ नहीं चलता है, कोई ऑर्डर नहीं चलता है, कोई आर्मी काम नहीं करती है, कोई मिलिट्री काम नहीं करती। नक्सलिज्म और उग्रवाद इस देश में जो बढ़ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये आसाम में इतने ज्यादा नक्सलवादी क्यों खूंखार हो रहे हैं। वो कहते हैं जी 60 साल गुरुगढ़ जैसे शहरों में सब सुविधाएं, ये कैसे चलने वाला है? तो बंदूक चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, गांव वालों को भी सिखा रहे हैं, गांव वाले उनका साथ दे रहे हैं और पुलिस को पीछे डिफेंसिव होकर हटना पड़ रहा है। अब तो चीफ मिनिस्टर भी सरेंडर कर चुका है नक्सलवादियों के सामने आसाम। तो अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, अगर उसको बढ़ने ही देंगे तो थोड़े दिन में कॉलेप्स हो जाएगा, सारा सिस्टम कॉलेप्स। और अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आप कम करना चाहते हैं, ब्रिज करना चाहते हैं, तो आपको शायद इकोनॉमी का वो फेस देखना पड़ेगा जिससे भारत के सबसे अंतिम व्यक्ति को कोई लाभ होगा। गांधी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, मार्गदर्शक, उसका एक ही कारण है, उन्होंने एक ऐसा सूत्र दे दिया जो हमेशा हमारे लिए राइडर का काम करता है। गांधी जी बोल कर गए कि दुनिया में कोई भी काम करो तो सबसे पहले आंखों के सामने उस सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखो कि तुम्हारे काम से उसको कुछ फायदा होने वाला है तो करना, और ऐसा लगता है कि उससे उसको कोई फायदा नहीं तो कभी मत करना। और ये उन्होंने मुझे नहीं कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा। नेहरू जी ने जब गांधी जी को पूछा कि मैं क्या करूं इस देश में अर्थव्यवस्था के स्तर पर, तो एक ही उत्तर दिया था कि भारत के सबसे गरीब आदमी का चेहरा देखकर पॉलिसी बनाओ, उसको कुछ फायदा होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ो। ये बहुत गहरी बात वो बोलकर चले गए। आज भी हमें यही देखना है कि शॉपिंग मॉल्स को सामने रखें, सबसे गरीब आदमी को इसमें घुसने के लिए भी जगह है क्या? हमारा भिखारी, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, तेल मालिश करने वाला, बाल काटने वाला, गांव का रहने वाला साधारण आदमी शॉपिंग मॉल में घुस सकता है, कुछ खरीदी कर सकता है? तो जरूर बनेगी। और अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर ये 10-20 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए शॉपिंग मॉल बना दें और 70-80 करोड़ को खाने पीने को भी ना मिले तो ज्यादा दिन ये शॉपिंग मॉल टिकेंगे नहीं, इनको कोई बम ब्लास्ट करके उड़ाएगा और इनको लूट कर ले जाएगा। कोई सिक्योरिटी कभी नहीं बचा सकती किसी भी देश को अगर उसके लोग एक बार तय कर लें कि हमें यही करना है। क्या आर्मी, क्या एयरफोर्स, क्या नेवल फोर्स? आर्मी है कितनी? मुश्किल से 55 लाख कुल मिला, और भारत के लोग 110 करोड़, कहां कंट्रोल होगा? पुलिस की व्यवस्था कितनी है? भारत में 10,000 लोगों पे एक पुलिस है, कैसे मेंटेन करेगा? 10,000 लोग हैं, एक पुलिस वाला है, क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेगा? तो हम थोड़ा रियलिटी की दुनिया में आए और अपने शहर से थोड़ा दूर निकलकर गांव की दुनिया को देखें तो समझ में आएगा कि शॉपिंग मॉल की क्या उपयोगिता है। मैं जो कि भारत में घूमता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, 50% से ज्यादा समय मेरा गाँव में बीतता है, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता हो सकती है तो किसी और चीज की, वो ये कि ये छोटी छोटी दुकानें जो चल रही हैं 2 करोड़, इनकी संख्या हम बढ़ाएं, इनको थोड़ा एफिशिएंट कर लें, थोड़ी खराब दिखती हैं तो अच्छी कर लें, उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर दो दुकान चलाने वालों की कि देखो भैया अभी तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम थोड़े बेहतर तरीके से साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठो,
साफ सुथरे तरीके से बातचीत करना शुरू कर लो, प्रेजेंटेशन करना सीख लो, तुम्हारी चीज कैसे प्रेजेंट की जाती है वो सीख लो, कुछ खराब उस पे कवर है तो कवर अच्छा चढ़ा लो। ये तो मेरे समझ में आता है कि 2 करोड़ दुकानदारों को कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग देके आप थोड़ा अच्छा बना ले, उनकी दुकानें भी सुंदर दिखने लगे, शोकेस भी उनके थोड़े सुंदर हो जाए, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दें। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 2 करोड़ को बिल्कुल साफ कर दें और उसकी जगह 2000 शॉपिंग मॉल्स खड़े कर। अभी एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले पूना में था, तो पूना में आजकल बहुत शॉपिंग मॉल्स खुले हुए, तो एक शॉपिंग मॉल में मैं गया जो अभी हाल में खुला है। मैंने उनसे पूछा, भाई एक दिन में बिजली कितनी जलाते हो, एक दिन में पानी कितना खर्च करते हो, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताया। मैंने पैरेलल कैलकुलेशन किया कि पूना का एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में जितनी बिजली जलाता है उतना पूना में 2000 घरों में जलती है। एक शॉपिंग मॉल 24 घंटे में इतनी बिजली जलाती है। तो मैंने कहा, भाई इतनी बिजली क्यों जला रहे हो? तो उनका, क्या करें, हमारा डिजाइन ही ऐसा है कि सूरज की धूप नहीं आती। मैंने कहा, महामूर्ख, जिस देश में सूरज फोकट में मिलता हो, सूरज की धूप फोकट में मिलती हो, तुमने डिजाइन ऐसा किया क्योंकि इसमें सूरज की धूप ही ना आए। ये मूर्खता कोई अमेरिका वाला करे, यूरोप वाला करे तो समझ में आता, क्योंकि 8 महीने सूरज निकलता ही नहीं है उनके देश। यहां रोज सूरज निकल रहा है, एवरी डे इज संडे जिस हिंदुस्तान में। वहां ऐसा डिजाइन कर लिया शॉपिंग मॉल की अगर बिजली नहीं जलाए तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, तब तो तुम नाश मार दोगे इस पूना का। क्योंकि एक शॉपिंग मॉल 2000 घरों की बिजली जलाने लगे तो बाकी 2000 घरों का क्या होगा? सरकार क्या कहेगी? पहले बिजली शॉपिंग मॉल को देंगे क्योंकि ये 10 रुपए यूनिट दे रहे हैं, घर वाला 3.5 रुपए यूनिट नहीं दे रहा, उसको बिजली मिलेगी नहीं। तो संविधान ने तो सबको बराबर के अधिकार दिए हैं सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, तो शॉपिंग मॉल वाला बिजली जलाता रहे और 3000 घर वाले अंधेरे में बैठे हैं। तो मैंने कहा, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पत्थर से ही तोड़ देंगे तुम्हारे शॉपिंग मॉल को किसी ने। तो कहने लगा, राजीव भाई आप ये बात बताने मत जाना किसी को कि हम इतनी बिजली जला रहे हैं कि 2000 घरों में जलती। मैंने कहा, मैं तो बताऊंगा, मेरा मुंह कैसे रोकोगे? तो मैं तो इसी काम के लिए पैदा हुआ हूं। और एक शॉपिंग मॉल इतनी बिजली जला रहा है, 17 शॉपिंग मॉल पुणे में खुल चुके हैं, उनकी कुल बिजली अगर आप कैलकुलेट करें तो 17 में 2000 का गुणा 34,000 फैमिलीज की बिजली शॉपिंग मॉल जला है। फिर मैंने पूछा, पानी कितना खर्च कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पुणे का एक आदमी जितना खर्च करता उससे 300 गुना ज्यादा। पुणे का एक आदमी एक दिन में जितना पानी खर्च करता है उससे 300 गुना ज्यादा का खर्च शॉपिंग मॉल में है। तो पानी कहां से लाओगे? बारिश का ही पानी है, इसके अलावा तो पानी नहीं। पुणे के आसपास के किसानों को जिस दिन पता चल गया कि उनका पानी तुम खा रहे हो तो वो तुम्हारे पत्थर मार मार के घर हालत खराब कर देंगे। पानी का खर्च ज्यादा, बिजली का खर्च ज्यादा, दोनों ही को पैदा करने की स्थिति में नहीं है। मैंने कहा, पानी अपना खुद बना लो। कहते, बनता ही नहीं, कितना भी H2 और O2 मिलाओ पानी बनता ही नहीं। हाइड्रोजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन का सिलेंडर एक दूसरे में मिक्स कर दो तो भी पानी नहीं बनता। पढ़ाने को फालतू है, 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, जिंदगी में होता ही नहीं है। पानी तो बारिश से ही आता है और वो भी नपातुला आता है, और बारिश भी लगातार कम हो रही है, पीने के पानी की जरूरतें बढ़ रही हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में कुछ लोग जितना पानी अपने फ्लश में गिरा देते हैं उतने में हिंदुस्तान में 5 लाख हेक्टेयर खेती में चावल लगता है। जितना पानी एक बार हम यूरिनल में जाके पुश बटन करके गिरा देते हैं शहर में रहने वाले लोग, उतने में 5 लाख हेक्टेयर में चावल पैदा होता है। एवरेज एक आदमी नागपुर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, सारे बड़े शहरों में एक दिन में 300 लीटर पानी फ्लश टॉयलेट में खत्म कर देता है। पीने में तो मुश्किल से 10 लीटर भी खर्च नहीं करता, फ्लश में 300 लीटर खर्च कर देता। ये हमने टेक्नोलॉजी लाई है यूरोप से। इससे अच्छे तो वो आदिवासी हैं जो मुश्किल से 200-250 ग्राम पानी लोटा में लेके जाते हैं और रोज अपना निपट के आ जाते हैं। अकल वाले तो हैं हम मूर्खाधिपति, PhD, डॉक्टरेट, पता नहीं क्या क्या सब किए हुए, एक बार टॉयलेट रूम में गए तो पानी इतना गिराते हैं कि दिन भर में 300 लीटर उसी में चला जाता और वो रीयूज नहीं होता। ये याद रखिए। अभी यूरोप वालों को समझ में आया कि ये फ्लश सिस्टम तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, तो लंदन में फ्लश के पानी को रीयूज किया जा रहा है और हर करोड़पति को उसी से नहाना पड़ रहा है।
आपको मालूम है लंदन के सारे करोड़पति जिस पानी से नहाते हैं उनका फ्लश टॉयलेट का पानी है, और सरकार बोल के कहती है कि अब हमारे पास इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, नहाना है तो नहाओ नहीं तो लंदन छोड़ के चले जाओ। मुझे डर लगता है किसी दिन ये ना हो जाए हिंदुस्तान में ये शॉपिंग मॉल्स के आने के बाद, क्योंकि वो पानी की जरूरत ज्यादा है, उनको बिजली की जरूरत ज्यादा है, सब कुछ उनकी जरूरतें ज्यादा है, आम आदमी को कुछ मिले नहीं उनके लिए, तो ये बैलेंस टूट जाएगा इस देश का। बिजली है नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास, सरकार बोलती है कि 3 साल तक 1 मेगावाट बिजली भी हम जोड़ नहीं पाएंगे, सारी बिजली शॉपिंग मॉल्स को ही चली गई, तो फिर किसानों को आम आदमी को क्या होने वाला है, बहुत तकलीफ आएगी। तो अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें, आप इस पर चिंतन करो, आप कहते हो कि आप इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हो तो चिंतन करो और कोई एक ऑल्टरनेट बनाओ प्लान, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं ना पॉलिटिशियन से वो कन्विंस हो जाते हैं, वो कहते हैं बात तो आपकी सब सही है लेकिन ऑल्टरनेट बताओ कुछ, तो मैं आपसे कहने आया आप ऑल्टरनेट बनाओ। हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना इस देश में आईसीएस होने से ज्यादा मुश्किल है, आईसीएस होना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं 4 किताबें बता देता हूं, ठीक से पढ़ लो, 10 साल के अनसॉल्व पेपर ले लो और आप आईसीएस पास कर लोगे, ये गारंटी से मैं बताता हूं। आईसीएस होना बहुत आसान है, आईपीएस होना उससे भी ज्यादा आसान है, आईएफएस होना और भी आसान है, चार्टेड अकाउंटेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने देखा है चार्टेड अकाउंटेंट लोगों को पढ़ाई करते हुए दिमाग खराब हो जाए, 5 साल 6 साल 7 साल जिंदगी जो है कचूमर निकल जाए। तो इतना अच्छा ब्रेन, और आपका ही ब्रेन है जिसको मल्टीनेशनल हायर करते हैं 10-20-50 हजार या लाख रुपए महीने पे आप उनके लिए काम करते हैं और बेस्ट प्लानिंग बना के देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-1.5 लाख रुपए में उनके लिए काम करें तो देश के लिए क्यों नहीं काम कर सकते। तो आप कहेंगे जी देश पैसा थोड़ी देगा, लेकिन देश आपको सम्मान तो देगा, सम्मान तो पैसे से बड़ा होता है ना, हर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है मैं उसको पूछूं आप क्या चाहिए तो कहता है सम्मान चाहिए, तो मैंने कहा वो तो बिना पैसे में मिलता है, उसके लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, आप समाज के लिए काम करने लगो, देश के लिए काम करने लगो, इतना सम्मान मिलेगा। आप बोलोगे जी पानी चाहिए तो लोग दूध पिलाएंगे, आप बोलोगे दूध चाहिए तो बासुंदी खिलाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे जाने के लिए कार चाहिए तो आपके लिए चार्टर्ड प्लेन दे देंगे ला के, आप काम तो करो देश के लिए। इस देश में सम्मान उन सबको मिलेगा जो काम देश के लिए करे, तो आप देश के लिए एक ऑल्टरनेट प्लानिंग करो। मेरा तो ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह की प्लानिंग है इसके पैरेलल एक प्लानिंग करो कि इस देश में मनमोहन सिंह कहता है कि 10% का ग्रोथ रेट हम लाएंगे, तो आप एक ऐसी प्लानिंग करके दो कि 10% का ग्रोथ रेट हम भी ला सकते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें भारत भी बचा रहे, भारतीयता भी बची रहे, भारत के किसान भी बचे रहे, आगे बढ़े, भारत के उद्योग भी चलते रहे, छोटे व्यापारी छोटे लोग मरे नहीं और आगे बढ़े, तो भी हम 10% ग्रोथ रेट ला सकते हैं, इसमें आपका ब्रेन लगे और ये कोई ड्राफ्टिंग आप करो तो मैं पूरे देश में लाउड स्पीकर की तरह से उसको बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये प्लान किया है पूरे देश की इकोनॉमी के, आप थोड़ी हिम्मत करो एक ऑल्टरनेट बजट बनाओ, चिदंबरम का एक बजट हमारा दूसरा बजट है, ये ऑल्टरनेट बजट है, आप उनकी जो टैक्स प्लानिंग है ना उसके पैरेलल आपकी टैक्स प्लानिंग बनाओ, और ये सब हम कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ा ब्रेन को आप स्टॉर्म करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग 2-4 सेशन करेंगे तो एक ऑल्टरनेट प्लान इकोनॉमी के लिए बजट के लिए सब कुछ हम बना सकते हैं, वो देश के सामने हम प्रेजेंट करेंगे देखो ये अल्टरनेट है। मनमोहन सिंह कई बार क्या झूठ बोलता है, देयर इज नो अल्टरनेट बोलता है, यही रास्ते पे चलना है भले कुएं में गिरे, कहता यही अल्टरनेट है ही नहीं कोई अल्टरनेट मेरे पास, तो आप जवाब तो दो कि हाँ देयर इज अल्टरनेट है, टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, प्लानिंग ऐसी हो सकती है तो भी ग्रोथ रेट आपका कम नहीं होगा, ऐसा ही ऑल्टरनेट हम बनाएं, मैं भी आपके साथ थोड़ी बहुत उसमें मदद कर सकता हूं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कर सकता हूं, हम सब मिलकर एक बड़ा ड्राफ्ट कर सकते हैं, पूरे देश के सामने उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान को रीशेप करें, सॉरी इकोनॉमी को रीडिजाइन करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दें। एक छोटा सा सुझाव, मान लीजिए पूरे
इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम मर्ज करते हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स करते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं, ट्रांजेक्शन टैक्स या एक्स वाई टैक्स। फिर आप देखो इकोनॉमी कैसी होती है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस 64 है, सबको मर्ज कर दो, वन पॉइंट टैक्स कर। दूसरा, मेरी बहुत पहले की प्लानिंग है कि इनकम टैक्स को 10 साल के लिए सस्पेंड कर दो या 20 साल के लिए सस्पेंड कर दो या हटाई दो तो इनकम टैक्स को, क्या जरूरत है इनकम को टैक्स करना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। सोचो ना, किसी को आप रोक रहे हो कि तू मत कमा, यही तो हुआ ना। तो इनकम को क्यों टैक्स करना, एक्सपेंडिचर को टैक्स कर दो या सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल पॉइंट टैक्स कर दो। तो जैसे ही आपके सारे टैक्सेस खत्म होके एक टैक्स हुआ, आप देखो इस देश में ग्रोथ रेट तो 25-30% पहुंच जाएगा, क्योंकि सारा का सारा धन जो इधर उधर छुपा पड़ा है, डेड इन्वेस्टमेंट है, वो सब पाइपलाइन में आ जाएगा। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज हमारे प्रधानमंत्री गाना गाते हैं, एफडीआई चाहिए, एफडीआई चाहिए, एफडीआई। ये गाना कुछ इस तरह का है कि किसी मरीज के शरीर में खून नहीं बन रहा है, बाहर से बोतल पे बोतल चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून से, किस मरीज को कितने दिन जिंदा रखोगे। अगर उसका शरीर खून नहीं बना रहा है तो सोचो कि इसमें कहां प्रॉब्लम है। हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं पैदा हो रहा है और हमें विदेशी पूंजी के लिए बार बार भागना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी में कहां रुकावट है कि पूंजी जनरेट नहीं हो रही। वो रुकावट दूर कर दो, पूंजी बनने लगेगी तो ये भीख मांगना बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ी रुकावट है वो टैक्स सिस्टम में है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम जो भारत का है, दुनिया में शायद किसी देश का नहीं है। जो जो देशों ने टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई किया है, वो सब बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं हमारी आंखों के सामने। हम भी टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, बहुत आराम से ये होगा। दूसरा, भारत से जो काला धन बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में स्विस बैंकों में, इसको वापस मंगा दें, रास्ते बंद कर दें काले धन के ले जाने के। एक ही रास्ता, इनकम टैक्स खत्म कर दो, धन काला रहेगा ही नहीं तो बाहर जाएगा ही। जिसके पास जितना पैसा है, या तो वो मार्केट में लगाएगा, धंधे बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा, नहीं तो मजा करेगा, तो खर्च करेगा, तो भी पैसा इकोनॉमी में आएगा, और नहीं तो जमा करेगा तो बैंकों के पास आएगा, बैंक उस पैसे को देश के लिए उपयोग कर लेंगे। तो ये इंटरनलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए टैक्स के कानून, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860 का अभी भी चल रहा है, एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों के जमाने की अभी भी चल रही है। ये इतने पुराने कानून चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बदल दो। विदेशी कंपनियों के लिए रात दिन नए नए कानून बन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून अभी भी चल रहे हैं। तो आपके लॉज और रेगुलेशंस में लिबरलाइजेशन करो, इंटरनल लिबरलाइजेशन करो, टैक्स सिस्टम को मर्ज करके सिंगल पॉइंट कर दो, फिर आप देखो इस देश की इकोनॉमी खुद पैसा पैदा करने लगेगी। एक आध कोई और काम हो सकता है, 1000 रुपए का नोट हमने चला दिया, इसको बंद कर दो, 100 रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं होगा इस देश की इकोनॉमी। आप जानते हैं अमेरिका कितनी लिबरलाइज इकोनॉमी है, फिर भी उनके पास 100 डॉलर से ऊपर का नोट नहीं। क्यों नहीं, सोच समझ के उन्होंने रखा है। वो कहते हैं नोट जितने बड़े होते हैं ब्लैक मनी उतनी ज्यादा, तो नोट छोटे कर दो। मैं तो कहता हूं 100 रुपए का भी क्यों, 50 रुपए का कर दो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। और एक्साइज ड्यूटी आप कम करो, कस्टम ड्यूटी मत करो कम। इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो एक्साइज ड्यूटी कम करो, कस्टम ड्यूटी कम करके तो सत्यानाश हो जाएगा इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह के कुछ काम करके एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम पूरे देश के सामने रखें तो सामान्य लोगों को पता चलेगा कि यस देयर इज ए ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है। तो इसका माने मनमोहन सिंह झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो लोग फिर उसका समाधान कर लेंगे कि क्या करना है इस आदमी का। दो तीन साल में इलेक्शन आ रहा है तो वो कर लेंगे अपना हिसाब किताब कि ये आदमी हमें नहीं चाहिए जो इतना झूठ बोलता है, देयर इज नो ऑल्टरनेट। कितने ऑल्टरनेट है इस देश में। तो ऐसा कुछ अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात की, अगर आप मानते हैं कि आपको अमेरिकन हो जाना चाहिए तो हो जाइए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन पूरे हो जाइए, आधे अधूरे नहीं। जैसे आजकल मैं देखता हूँ ना, पिताजी का नाम राम दयाल, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटा जो है टिंकू। तो टिंकू के हिसाब से राम दयाल और गायत्री देवी को बदल दीजिए, और या राम दयाल और गायत्री देवी को टिंकू बदल लेना चाहिए, ये खिचड़ी मत करिए। आधे अमेरिकन आधे हिंदुस्तान।
आप अगर अमेरिकन होते तो ईमानदारी से हो जाइए और फिर अपेक्षा मत करिए कि बीवी आपको गरम गरम रोटी बना के दे, क्योंकि अमेरिका को कोई बना के नहीं देती। और ये भी अपेक्षा मत करिए कि वो आपके प्रति विश्वास पात्र रहे, क्योंकि अमेरिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नॉर्मल है। वो एक फ्राइडे को किसी के साथ जाती है, दूसरे फ्राइडे को किसी और के साथ जाती है। आपको मालूम है अमेरिका में बोलते हैं 3 W का कोई भरोसा नहीं है, वाइफ, वेदर, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पत्नी का भी भरोसा नहीं, और तीसरा है वेल्थ। कल करोड़पति थे, आज करोड़पति हो जाएंगे। तो आप भी भारत में मान लीजिए, पत्नी का भरोसा नहीं है, बच्चों का भी नहीं। बच्चे आपको चांटा मार दें तो उसमें अफसोस मत करिए, क्योंकि अमेरिका के बच्चे माँ बाप को पीटते रहते हैं, गोली भी मार देते हैं। हाँ, आपको मालूम है गोली मार देते हैं पिताजी, क्योंकि पिस्तौल वहां पर ऐसे मिलती है जैसे खिलौने मिलते हैं। पिस्तौल को किसी भी दुकान में से कोई भी खरीद सकता है, खिलौने जैसे खरीदता है। पिताजी से थोड़ा बड़बड़ हुई, निकाला, शूट कर दी। अमेरिका की जेलों में सबसे ज्यादा बच्चे ही बंद हैं क्राइम के। फिर आप तैयार रहिए, सबसे ज्यादा रेप केसेस अमेरिका में है, तो यहाँ भी होंगे। मोलेस्टेशन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, यहाँ भी होगा। अमेरिका में प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक पुलिस है, तब भी हाईएस्ट क्राइम अमेरिका में है। भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, तभी भी लोएस्ट क्राइम भारत में है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, हाईएस्ट क्राइम हो इस देश में। आप घर से बाहर निकले, कोई भी आपको चाकू मार के कुछ भी छीन के ले जाए, तो आप उसमें रोइएगा ये मत, क्योंकि ये अमेरिका है। आपके 2 बच्चे हैं, लड़की है और लड़का है, 15-17 साल की उम्र में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना ले, तो रोइएगा ये मत, क्योंकि अमेरिका में भाई बहन संबंध बना लेते, वो टीचर के साथ भी बना लेते। स्टूडेंट्स और टीचर के फिजिकल रिलेशंस हैं। और फिर आप रक्षाबंधन छोड़ दीजिए, वैलेंटाइन डे शुरू कर दीजिए। अमेरिकन होना है ना, तो रक्षाबंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, वैलेंटाइन डे में ही जाना पड़ेगा। और अमेरिका जैसा होना है तो पत्नी को मिडी पहनाइए, स्कर्ट पहनाइए, साड़ी में पहनने का आग्रह क्यों, क्योंकि अमेरिका यूरोप में सभी महिला स्कर्ट पहनती है, आप भी करिए। ये नहीं चलेगा कि पति तो 3-पीस सूट और टाई पहने और पत्नी साड़ी में आए, ये आधा पहिया अमेरिका का आधा हिंदुस्तान का कैसे चलने वाला है। पत्नी को भी स्कर्ट पहनाइए जो आप 3-पीस सूट और टाई में आते हैं। तो सब लेवल पे चेंज कर देते हैं, खान पान बदलना पड़ेगा, आपको रहन सहन बदलना पड़ेगा, आचरण बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो होता है ना वो अकेला नहीं होता, पूरे सोसाइटी का हिस्सा होता है इकोनॉमी, एक समाज का छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमी। तो अमेरिकन सोसाइटी जैसी आप भारत में सोसाइटी बनाइए, यूरोपियन सोसाइटी जैसी भारत में सोसाइटी बनाइए, जहां कहीं आत्मीयता ना हो, कहीं प्रेम ना हो, कहीं दया ना हो, कहीं करुणा हो। अमेरिका में हंसी भी नकली होती है, एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे ना तो वहीं से शुरू हो जाएगा, हंसना भी नकली है और हाथ मिलाना भी नकली है। तो नकली हंसी आप भी सीख लीजिए, आत्मीयता कहीं नहीं मिलेगी आपको अमेरिका और यूरोप में, खरीदने से भी नहीं मिलेगी, और भारत में फोकट पे ही मिलती है। कोई आदमी आपको जानता नहीं है फिर भी नमस्ते करके निकल जाएगा मुस्कुराते हुए, आपको भी सुख दे जाएगा, खुद भी सुख ले जाएगा, ये अमेरिका यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो टोटल चेंज करिए, या तो रहन सहन, खान पान, आदतें, आचरण, व्यवहार, परंपरा, मान्यता सब बदलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साबुन बदल लें और बाकी सब वही रखें, वो ऐसा नहीं होने वाला। साबुन आएगा अगर अमेरिका से तो साबुन के साथ सब कुछ आएगा। आप ये चाहें कि भाई नूडल्स तो हम उन्हीं का खाएंगे लेकिन चटनी अपनी हिंदुस्तान की रहेगी, तो ये नहीं होने वाला। नूडल्स आएगा तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। नूडल्स खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सुअर का मांस भी खाएं, क्योंकि अमेरिका के सभी नूडल्स सुअर के मांस से बनते हैं, इंक्लूडिंग मैगी। मैगी में सुअर के मांस का रस है। और आप कहें कि हम तो कट्टर शाकाहारी हैं फिर भी मैगी खाते रहे, तो ये नहीं चलने वाला। तो सब बदलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बदल सकते सब कुछ तो फिर हिंदुस्तानी हो जाइए, बीच में मत लटकिए, त्रिशंकु मत बनिए, मेरी ऐसी मान्यता है। पूरी ताकत से या तो अमेरिकन यूरोपियन हो जाए, नहीं तो पूरी ताकत से भारतीय हो जाए। बीच का कोई भी हिस्सा लटक गए तो दुख ही दुख देगा, तकलीफ ही तकलीफ देगा। तो शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी लाइए फिर इस देश में। अमेरिका की सरकार सब लोगों की सिक्योरिटी करती है, आपको मालूम है सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्चा है। तो इस हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्च करा लीजिए, मैं शॉपिंग मॉल को पूरा सपोर्ट करूंगा। और अगर यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती तो फिर शॉपिंग मॉल मत लाइए,
ये कहकर मैं खत्म करता हूँ मेरे व्याख्यान को। आपके कुछ प्रश्न हो तो उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, कोई सजेशन हो तो आप जरूर मुझे दीजिए, और आपके पास कुछ सब्सटेंशियल है मुझे देने के लिए तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुचारू सुंदर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ आपने आज का विषय याद प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपने जो है बात रखी है उसमें चिंतन करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी के कोई प्रश्न हो तो आपके स्वागत है, दीक्षित जी को उत्तर देना चाहेंगे। हम लोग लेके आएंगे कि सर ऐसा है सर, हम हाथ खिला के कहेंगे, वो लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्लैश प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं, तो जो मिनिस्टर्स है वो भी इंसान है, तो वो लोग भी थोड़ा सा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं इनकी बात और मजबूर हो जाते हैं, ठीक है भाई आप लोग आएंगे। तो इंडियन कंपनीज या इंडियन एनजीओ या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है वो लोग क्या कर रहे हैं सर? इनका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि ये भारत के जो अर्थशास्त्री हैं और भारत में जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दोनों ही लोग हैं, कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सब मल्टीनेशनल में काम करते हैं। उनके मन में जो थोड़ी बहुत लॉयल्टी थी वो भी खत्म हो गई। इस देश में ऐसे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जो मल्टीनेशनल के पेरोल पर चले गए पिछले 15 साल, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं इस देश में जो मल्टीनेशनल में चले, तो भारत की कंपनियों को ले करके अपने ऑफिस के स्टाफ से ही वो सब करा रहे हैं, ये एक समस्या है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी दूसरी बात है कि जो हमें जानने की जरूरत है कि हमारे भारत में बैठे हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनसे इंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं है? उनके पैसे से इंप्रेस हो जाते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल आता है तो उनको एक ऑफर कर देता है कि भैया देखो मेरा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, 10% आपका, ये खुले आम चल रहा है। अब वो 10% में तय हो जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कितना और जो पावर में है उसको कितना। आपको मालूम है आजकल करप्शन में बंटवारा लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी है हर जगह, क्योंकि जो कर रहा है मंत्री वो जानता है कि इस अपोजिशन वाले को नहीं मिला तो संसद में हंगामा करेगा या विधानसभा में करेगा, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी हिस्सा फिक्स है और जो सरकार है उनका भी हिस्सा फिक्स है, तो उसके पैसे में वो फंसे हैं, उनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है या वो पैसा उनका जो है इतना जोरदार है, और सभी मल्टीनेशनल जो भारत में आते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो भ्रष्टाचार में हम खर्च करेंगे वो हमारा इनिशियल बिल्डअप कैपिटल है, वो मान के चलते हैं। एनरॉन का कहानी आप सब जानते हैं, उसने पूरे देश को नहीं बताया, दूसरे सभी कंपनियों की कहानी ऐसी। यहाँ पर भारत की कंपनियां कुछ कमजोर पड़ती हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन एक तो इतने बड़े नहीं है, स्केल इतना बड़ा नहीं है। कोई एक अमेरिकन कंपनी आ रही है जो 50 देशों में बिजनेस कर रही है, हमारी एक कंपनी है जो एक शहर में या एक गांव में काम कर रही है, तो हमेशा ये जो दो ऐसे लोगों के बीच में कंपटीशन है जो किसी भी स्तर में समान नहीं है, और कॉम्पिटिशन कभी भी करना चाहिए तो दो समान लोगों में होता है, कोई 19 है कोई 20 है तो कंपटीशन होगा, कोई एक है और दूसरा 20 है तो कंपटीशन नहीं होगा। बेन जॉनसन है और बेन जॉनसन दूसरा है तो दोनों कॉम्पीट करेंगे, लेकिन एक बेन जॉनसन है और एक लंगड़ा लड़का है जिसका एक पाँव पोलियो में बर्बाद हो गया, वो बेन जॉनसन के साथ अगर स्प्रिंट में दौड़े तो फिट नहीं वाला है। तो कॉम्पिटिशन के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, अनपैरेलल या जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है उनको कॉम्पीट करा रहे हैं उनके साथ जिनको सारी फैसिलिटीज हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एक बात करें, इसमें कोई भी मल्टीनेशनल आएगा उसको कभी टैक्स नहीं भरना, कल्पना करें नागपुर के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है उसमें सारी कंपनियां हैं जिनको कोई टैक्स नहीं भरना, और नागपुर शहर में जो भी चलेंगे उनको 64 तरह के टैक्स देने हैं, अब बताइए कैसे कॉम्पिटिशन होगा। तो हर एक कोई चाहेगा कि उसकी फैक्ट्री अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चली जाए, लेकिन वहां स्पेस लिमिटेड है तो ये बाहर रहेंगे कुछ अंदर रहेंगे,
तो ये तो कट जाने वाले हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर रहेंगे। ये कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए 300 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस देश में बन गए, 300 बड़े शहरों में बन गए, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर की इंडस्ट्रीज हैं वो तो 2-3 साल में ही फट जाएंगे, क्योंकि सरकार की ये कहना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। और इतने से भी आगे बढ़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस कंपनी ने बनाया वो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेगी, इंडियन पार्लियामेंट उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, भारत की जमीन पर आपने अमेरिका खड़ा कर दिया। मान लीजिए वॉलमार्ट ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना लिया, तो वॉलमार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो नहीं करेगी, पार्लियामेंट को भी फॉलो नहीं करेगी। कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, और सारी दुनिया में 400 है, अकेले भारत में 300 होने जा रहे हैं। सोचिए ना, भारत में ही इतनी नजर क्यों लगी है उनकी, इसलिए कि यहाँ के किसानों की जमीन बहुत सस्ते भाव में जबरदस्ती खरीदी जा सकती है, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की तरह से काम करती है इस देश में। अंग्रेज जमीन छीनते थे, एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी, उसने लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया और मार मार के सारी जमीन उसने किसानों से छीन कर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब वही काम मनमोहन सिंह कर रहे हैं या विलासराव देशमुख कर रहे हैं कि किसानों से जमीनें छीन रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, किसान मर रहे हैं, और वो जमीनें कौड़ी के भाव में विदेशी कंपनियों को या भारत की कंपनियों को बेची जा रही है। अब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप ना करे उसके लिए इन नेताओं ने कितनी चालाकी की है कि लैंड एक्विजिशन को 9th शेड्यूल में डाल रखा है, जिसमें कोई पिटीशन भी एडमिट नहीं हो सकती। इतनी चालाकी की है कि लैंड एक्विजिशन का पूरा मामला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में है, और 9th शेड्यूल के बारे में ये स्पष्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को रोक देता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को किसी हिंदुस्तानी आदमी ने रगड़ कर दिया। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, इस देश के लाख नागरिकों ने उनकी जमानत जब्त करा दी थी, और इंदिरा गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी लोगों से कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इमरजेंसी लगाई थी। माफी मांगी, लिखित माफी मांगी संसद से, और मौखिक पूरे देश तब लोगों ने दोबारा स्वीकार किया। तो इस देश की जनता में ताकत तो है, बशर्ते कि कोई उसको सूचना दे। 1975 में जयप्रकाश नारायण निकले, अपना घर बार सब छोड़कर लोगों को मोबिलाइज कर दिया, लोग खड़े हो गए, फिर कोई निकलेगा, फिर लोग मोबिलाइज हो जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, सूचनाएं पहुंचे, बहुत सारी चीजें तो हमें भी खुद नहीं मालूम है। बहुत लोग नहीं जानते कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंपोर्ट किया, इसका माने देश के अंदर देश बना दिया आपने। कितनी खतरनाक स्थिति है सोचिए, देश के अंदर एक दूसरा देश तैयार हो रहा है, और कल को अमेरिका हमारे खिलाफ बमबारी करे, कल्पना करो तो पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेरिका के साथ। ये फार्मूला तो ज्यादा शिक्षित लोग है या एक लिमिट से ज्यादा जो अमीर लोग हैं उन तक ही सीमित है, जो उससे नीचे के तबके के लोग हैं उनको उस ज्ञान का भी पता नहीं है। मैं खुद जैसा मैं समझता हूँ मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करानी है, तो मुझे उसे समझने के लिए, उस फार्मूले को समझने के लिए 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह सामान्य वर्ग जो है जिसे अपन ऐसा कह सकते हैं कि निम्न वर्ग या मिडिल से जो निम्न है उससे जो वो लोग हैं उनको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो जो फंडा है ये जैसा प्राइवेट लिमिटेड का या लिमिटेड का जो फंडा है उस जो संगठित होकर जो काम करने का जो तरीका है उसको एक जो छोटा तबका है वो किस तरीके से संगठित होकर कार्य कर सकता है उसके बारे में कैसे कर सकते हैं। देखिए, छोटे लोगों को छोटी छोटी बातें संगठित करती है, छोटी छोटी कि देखो तुम्हारा नमक भी अंग्रेजों ने छीन लिया, जो तुमको मुफ्त में मिलता था, कम पैसे में मिलता था, उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो लोगों के दिल में आग लग गई, वो छोटी सी बात और पूरा देश हिल गया। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें लोगों को हम समझाने लगे तो फिर उनमें आग लग सकती है और फिर देश को वो हिला सकती। सरल सरल बातें, छोटी छोटी बातें लोगों के पास लेके जाए। जैसे हम लोगों ने कुछ प्रयास किया, पेप्सी को के बारे में हमने कैंपेन चलाया, उसमें एक मीडियम हमने डेवलप किया, ठंडा मतलब पायलट क्लिक। आज वो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो स्वामी रामदेव से लेके और एक्स वाई जेड तक सब जानते हैं ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीन है।
ये वीडियो 98 में डेवलप हुआ, पूना में डेवलप हुआ, और मैं और एनसीएल के तीन साइंटिस्ट ने मिलकर ये तय किया था कि ये टॉयलेट क्लीन है। एनसीएल ने एक टेस्ट कराया था पेप्सी कोक का, तो पीएच उसका 2.4 आया, तो तुरंत मुंह से निकला है ये तो टॉयलेट क्लीन है, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर का पीएच 2.4 ही होता है। तो दो तीन लोगों के बीच से निकली हुई बात अब 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के जबान पर आ गई, और उसका परिणाम है कि पेप्सी कोक का सेल पूरी तरह से डाउन हो गया। आप अपने नागपुर में ही देख सकते हैं, इस नागपुर में संतरे का रस मौसमी तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसको ये कह के देखो भैया, अमेरिका भारत पे चढ़कर आ रहा है जैसे इंग्लैंड आया था। इंग्लैंड एक कंपनी लेके आया था कि हजारों कंपनी को लेके आ रहे अमेरिका, अब तुम क्या करोगे? तो उनको कहो कि अमरीकी कंपनी का मांस मत खरीदो, तो पूछेगा पता नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, किसानों को इकट्ठा करके ये बड़ा काम कर सकते हैं जिसमें सरकार ना आए, तो ये इंटरनल लिबरलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है, किसानों को एक साथ हम लाए, कारीगरों को एक साथ लाए, जितने कारीगर हैं ना इस देश में, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई कटाई बुनाई करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, 35 तरह के कारीगर हैं इस देश में। तो इन कारीगरों को साथ लेके कोई जोन्स बन सकते हैं, किसानों को लेकर बन सकते हैं, तो ये संभव है, और एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी की दिशा में हम इसमें बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो 25% है, इसको अगले 2-3 साल में हम बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। वो ऐसे करने वाले हैं कि अभी तक हम जो काम कर रहे थे उसमें मैं और मेरे जैसे 3-4 लोग होते थे, लेकिन अभी हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। कम से कम 14,000 राजीव दीक्षित इस देश में तैयार होने की स्थिति में है, 12 राज्यों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ऐसे 12 राज्यों में। पहले ये छोटे से गांव से शुरू हुआ था काम, अब तो बहुत बड़ा फैल गया, और बहुत जल्दी हम एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहे हैं 24 घंटे का, जिसमें सरकार की हर नीति की पोल खोलेंगे और किसान के सामने ऐसी परेशानी खड़ी कर देंगे जो झलना नहीं। आप जानते हैं छोटे छोटे न्यूज चैनल कोई कोई एक स्टोरी लिया है तो ABCD से लेकर XYZ तक दुनिया के किस किस देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं, वहां किन कंडीशंस में बने हैं, उसके बाद परिणाम क्या आए हैं, अब भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, किन कंडीशंस में बन रहे हैं, क्या परिणाम आएंगे, हमें हार और जीत होगी कि कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सपोर्ट कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, कौन शॉपिंग मॉल के सपोर्ट में है, कौन उसके विरोध में है, कौन पेप्सी कोक के सपोर्ट में है, कौन उसके विरोध में है। इस लेवल पे चुनाव आ जाएगा तो एजुकेशन इतना हो जाएगा, तो फिर पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपना एजेंडा ब्रेड फिक्स करें, जो लोगों की डिमांड नहीं तो वोट ही नहीं मिलेगा। और ये ताकत अब हमारी बढ़ गई है, इसलिए कि पहले हम अकेले थे, मैंने आपसे कहा, अभी 70 संगठन इस काम में हमारे साथ, और हमने कोलिशन बनाया, सरकार कोलिशन बनाती है सरकार के, हम कोलिशन बना रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने, लिबरलाइजेशन को रिवर्स करने। तो हमारा मानना है कि लोग सत्ता के लिए कोलिशन बना सकते हैं तो हम समाज के लिए तो बन जाते हैं, और भारत में धर्म की इतनी मान्यता है कि वो महाराज जी ने कहा, इसका माने पत्थर की लकीर, राजीव दीक्षित कहे तो इस पर इफ एंड बट्स हो सकते हैं, तर्क उतर्क हो सकते हैं, महाराज जी ने कह दिया आप तो सवाल ही नहीं है, पीना ही नहीं। तो धर्म का ताकत है, उसका सदुपयोग हम इस काम में अब करने जा रहे हैं। तो अगले 3 साल में मैं आपको बोल के जाता हूँ, 2009 में आप देखेंगे कि इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो अब तक नहीं हो पाया पिछले कुछ सालों में वो अगले 3-4 साल में होगा, ऐसा भरोसा है उसका। बिना बताए महिलाओं पर उसका टेस्ट किया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में महिलाओं को दिया गया कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बोलकर कि ये कुछ भी नहीं है, आयरन की गोली है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। परिणाम ये हुआ, जितनी महिलाओं ने खाया 90% को सर्विक्स का कैंसर हो गया उस कॉन्ट्रासेप्टिव से। जब बात खुली
तो उस अमेरिकन कंपनी ने स्वीकार किया कि यस हमने ये टेस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से किया। अब उस पर केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को जवाब देना है। लेकिन सरकार ने ये जो एक एक्सेप्शनल केस था इसको अब जनरल कर दिया कि कोई भी कंपनी अब ये कर सकेगी घर। तो मेरी अब आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आज के बाद आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचें, क्योंकि पता नहीं वो डॉक्टर आपके ऊपर क्या टेस्ट करे, बताएगा नहीं आपको। वो कहते छोटे से लेकर बड़े से बड़े रोग का इलाज वहां होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, इसकी दवा है जिंदाबाद उपयोग करें उसमें, तो हल्दी है, चूना है, धनिया है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। चिंतन करने वाली गहरी सोच वाली बातें यहाँ आपने रखी। हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी इंटेलेक्चुअल चिंतन प्रदान बात है, मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका इस काम से। सबसे पहले मैं श्री राजीव दीक्षित, हम सबसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हूँ मैं। आप धन्यवाद सर, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि नीचे अल्पवाद का कार्यक्रम है वहाँ आए, और किसी को कुछ बात अगर पूछनी है कुछ रह गया